कोरोना वायरस से फैले संक्रमण ने नए साल का जश्न एक बार फिर से फीका कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार और कोविड-19 संक्रमण में आई तेजी के बाद देश के कई राज्यों को सख्त कदम उठाना पड़ा है। इसी क्रम में बिहार की बात करें तो यहां की सरकार ने भी प्रदेश के सभी पार्कों को बंद करने की घोषणा कर दी है। वहीं प्रशासन लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील भी कर रहा है और सावधानी बरतने को भी लोगों से कहा जा रहा है। ऐसे में नए साल पर सैर सपाटे की प्लानिंग करने वालों में मायूसी सी छा गई है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए बिहार के तमाम जिलों सहित राजधानी पटना में आपके लिए सैर सपाटे की कौन सी व्यवस्था कर दी गई है, वो भी घर बैठे ही। यदि आप पटना चिड़ियाघर या पार्कों में घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, अब आप घर बैठे यहां की सैर कर सकते हैं। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए झटका है जो नए साल के मौके पर पटना के चिड़ियाघर और पार्कों में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। बिहार सरकार ने चिड़ियाघर और पार्कों को 2 जनवरी तक के लिए एहतियातन बंद कर दिया है। इन सबके बीच वन और पर्यावरण विभाग ने दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पर्यटकों के लिए वर्चुअल माध्यम से पटना के पार्क और चिड़ियाघर की सैर कराने की तैयारी की गई है। दरअसल वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग अपने चैनल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है। आप विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर चिड़ियाघर और पार्कों की सैर कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर चिड़ियाघर के तमाम जानवर समेत जीव जंतु को न सिर्फ देख पाएंगे बल्कि उनके बारे में पूरी जानकारी भी ले सकेंगे। चिड़ियाघर में मौजूद औषधि, पार्क, झील और दूसरी जगहों को भी वर्चुअल तरीके से देखा जा सकता है। पटना के पार्कों ने भी विशेष व्यवस्था कर रखी है। पटना पार्क प्रमंडल की वेबसाइट पर जाकर आप पटना के पार्कों की वर्चुअल सैर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्क की साइट www.patnapark.com पर जाना होगा। यहां पटना के पार्कों का घर बैठे वर्चुअल सैर किया जा सकता है और इसी उद्देश्य से वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने ये पहल भी शुरू कर दी है। इस साइट पर जाकर पटना के तमाम प्रमुख पार्क की सैर आप घर बैठे कर सकते हैं और चिड़ियाघर के भी सैर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों का ही नतीजा है कि बिहार सरकार द्वारा एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर पटना के पार्क और चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। 2 तारीख तक ये सभी जगह बंद रहेंगे और ऐसे में लोगों की परेशानियां ये हैं कि नए साल पर जो भी जश्न का माहौल था वो एक बार फिर से फीका पड़ गया है। लेकिन अब उदास होने की कोई बात नहीं और ना ही चिंता करने की बात है, क्योंकि अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर ही पटना के चिड़ियाघर समेत कई पार्कों के दीदार कर सकेंगे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।